सर्व हरियाणा राजकीय कॉलेज प्राध्यापक संघ का धरना आज 12वें दिन भी जारी रहा। अस्थायी प्राध्यापकों की हड़ताल के कारण छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है, लेकिन सरकार है कि किसी को सुनने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि पढ़ाई ना होने से परेशान छात्रों ने रेवाड़ी में जुलूस निकालकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और सरकार से मांग की कि प्राध्यापकों की मांग को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। छात्रों का कहना है कि कॉलेजों में अधिकांश प्राध्यापक अस्थायी है और वो भी इन दिनों हड़ताल पर है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पर हालात ये है कि जब परीक्षाएं सिर पर हैं, वहीं प्रदर्शनकारी अध्यापकों का कहना है कि सरकार को छात्राओं के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि सरकार में बैठे लोगों के बच्चे सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ते। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अभी बहुत लॉस हो रहा है, हमारे एग्जाम का नजदीक आ रहे हैं, एग्जाम में अगर हमारा कोई लॉस हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी। गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, पिछले 15 दिन से हमारी क्लास कंटिन्यू नहीं लग रही है और हमारे एग्जाम भी नियर बाई है, इस वजह से हमारी केस स्टडी बहुत ज्यादा पीछे जा चुकी है, सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है, तो एग्जाम में हम क्या कर पाएंगे। वो बच्चे हैं जो गरीब आदमी के बच्चे हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ने आते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार हमारी अपील माने, वो सोचे कि क्यों बेटियों को आज सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ा। रेवाड़ी से जाट टीवी न्यूज के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।